प्रातः काल की बेला हो रही है और क्या प्रेम की गली हमारे जो पैसा होता पास हमारे जो पैसा होता तो जैसा चाहते वैसा हो लेकिन मैं कह रही हूं क्या तो झिलमिल सितारों का आंगन होगा झिलमिल सितारों का आंगन होगा ये रिमझिम बरसता सावन महाभारत का प्रसंग ले रही हूं और बात इस समय की है एक तरफ कौरवों की सेना है हाँ और एक तरफ पांडवों की सेना है दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं भगवान कन्हैया ने अर्जुन की ओर इशारा किया बोले हे अर्जुन अर्जुन ये लोग तुम्हारे सामने जितने दिखाई पड़ रहे हैं इनको मार दो मार दो नहीं आपकी बात नहीं हो रही है ना आपसे नहीं कहेंगे उधर उन्होंने कहा ये कन्हैया बोले जितने दिखाई पड़ रहे हैं इनको मार दो अर्जुन ने जब नजर उठा के देखा तो कहीं पिताजी पितामह खड़े हैं कहीं गुरुजी खड़े हैं कहीं बड़े भाई खड़े हैं कहीं छोटे भाई खड़े हैं अर्जुन के मन में उनके प्रति मोह आ गया कन्हैया समझ गए कि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो चुका है इनका मोह दूर करना ही पड़ेगा और क्या देखिए भगवान कन्हैया से अर्जुन कहने लगे कान्हा आप आदेश तो दे रहे हैं कि जो सामने खड़े इनको मार दो अरे इनको मार कैसे मार दूं मैं ये सामने वाले कोई पराए नहीं है ना ये सब मेरे अपने हैं सगे वाले ये सब मेरे अपने हैं और क्या?
कैसे कैसे? बोले कन्हैया जिनको आप मारने का आदेश दे रहे हो इन लोगों ने जिन हाथों ने पाला पोसा आप लोग तो जिन हाथों ने पाला पोसा और गोद में मुझे उठाया है जो सामने खड़े हैं जिन हाथों ने पाला पोसा गोद में मुझे उठाया है और कन्हैया उंगली पकड़ कर जिसने चलना भी सिखाया है जिनसे रण कौशल सीखा अर्जुन ने जिनसे रण कौशल सीखा प्यार कुनी का पाया है लेकिन आज 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 उन पे ही हथियार उठाने का क्या अवसर आया है तो एक कन्हैया तुम ही बताओ बताओ ये जब सब मेरे अपने हैं तो अपनों पे तीर गर अपनों पे तीर गर चलाना होगा ना अपनों पे तीर गर चलाना होगा तो मेरे लिए तो मर जाना मर जाना होगा ऐ कन्हैया अरे विषम परिस्थिति में कैसे बच पाना होगा अपनों पे तीर गर चलाना जल्दी भूल गए जिनको तुम अपना 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 कहे जा रहे हो अरे एक बार वो दिन याद करो जब तुम्हारे सब इन्हीं अपनों ने मिलकर के पांचाली के साथ क्या सलूक किया था याद करो जब तुम्हारे इन्हीं अपनों ने मिलकर के पांचाली के साथ क्या किया था उस समय किसी के भी मुंह से आवाज नहीं निकली क्या आखिर ये सभा में हो क्या रहा है इसलिए अर्जुन उस बात को याद करते हुए ये धर्म युद्ध है यहां चाहे अपना हो चाहे पराया हो तुमको अपना धर्म निभाना पड़ेगा और जो सामने खड़े इन पर तीर चलाना ही पड़ेगा छोड़ना नहीं किसी को जिस समय देखा कि कर्ण कर्ण सामने आया है तो भगवान कन्हैया ने फिर इशारा किया और बोले अर्जुन बड़ा अच्छा मौका है जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारे सामने है यही सही अवसर है तुम कर्ण को मार दो कर्ण को मार दो इस समय उसके रथ का पहिया जमीन में धस चुका है वो परेशान हो रहा है और तुम मौके का फायदा उठा करके उसको मार दो जब ऐसा कहा तो
ने क्या कहा? क्या बेटा क्या बोले? कन्हैया सुनो मेरी बात, सुनिए। माना कि है दुश्मन मेरा, युद्ध का नियम नहीं है ना जो आप बता रहे हैं। माना कि है दुश्मन मेरा और किंतु नियम प्रतिकूल है, क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूं पहिया टूटा गिरा सारथी कर्ण का, पहिया टूटा गिरा सारथी और रहा समर में झूल है। अरे वार करे सामने से डट के, वार करे सामने से डट के, तो मर्द का वही उसूल है। अरे वार करे सामने से डट के, अरे मर्द का वही उसूल है। और घायल कर्ण को मारू केशव तो बहुत बड़ी ये भूल है। अगर मैंने इस अवस्था में कर्ण को मार दिया तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल कहलाएगी, क्योंकि कन्हैया निहत्थे पे तीर गर, निहत्थे पे तीर गर चलाना होगा, निहत्थे पे तीर गर चलाना होगा, तो मेरे लिए जरूर मारूंगा, जरूर चाहे एक को मारूं। जब प्रण कर लिया कि एक पांडव को जरूर मारूंगा, अब देखें आप पांडवों की पूरी सेना, पांचों पांडव उनके सामने आ गए। दुर्योधन ने कहा पितामह आप ये क्या कर रहे हो, इतना अच्छा मौका आपके हाथ में है लेकिन आप किसी भी पांडव पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए भीष्म पितामह ने कहा क्या, क्या कहा? बोले दुर्योधन शायद जो मैं देख रहा हूं वो तुमको नजर नहीं आ रहा है। वो क्या कहा? क्या? तो पितामह बोले सुनो दुर्योधन, बोलो। अरे चालबाज वो किशन है उसकी, खंडी जिसको मैंने लिया पहचान है। शिखंडी, क्या तुमको सामने शिखंडी नहीं दिखाई पड़ रहा है? और ये शिखंडी कौन है? कौन है? अरे पूर्व जन्म की नारी है ये, तो आज बड़ा व्यवधान है।
यही सोच के तभी भीष्म ने धरा धनुष और बाण है। और पितामह कहने लगे हैं, ऐ दुर्योधन, अरे नारी पे तीर गर, नारी पे तीर गर चलाना होगा, नारी पे तीर गर चलाना होगा, तो मेरे लिए तो नारी पे तीर गर, अपनों पे तीर गर, निहत्थे पे तीर गर चलाना।